रेडी 1 2 हेलो हेलो, सभी जने बारात में पधारे। बारात प्रस्थान करने वाली है और बारात निकासी गेट पर खड़ी है, तुरंत आ जाइए। हाँ जी, तो गाइस ऑल सेट टू गो और मैं रेडी हो चुका हूँ। मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो इसी के साथ क्या हाल है गाइस, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैं रेडी हो चुका हूँ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। आज हम लोग जा रहे हैं भोपाल, मैं, दीदी और मम्मी पापा, और कुकू जो है हमारा वो नहीं जा पाएगा क्योंकि सफर बहुत लंबा है, 400 किलोमीटर का, यानी कि 6 घंटे का सफर है। तो डॉग्स परेशान हो जाते हैं यार इतने लंबे सफर में, गर्मी बहुत है, अभी एसी कितना ही चला लो उनको थोड़ा वो हो जाता। तो पहले कुकू को हम लोग छोड़ने जाएंगे चित्रेश भैया के यहाँ, मेरे जो भैया हैं उनके पास भी डॉग है डैनी, तो उससे इसकी क्या थोड़ी दोस्ती है। तो पहले कुकू को वहाँ छोड़ने जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीधा निकल जाएंगे भोपाल के लिए। टाइम हो चुका है सुबह के 8:30, तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं, सब कुछ रेडी है। यार ये बढ़िया टी शर्ट पहन ली थी मैंने, इस पर परफ्यूम के ना ये लग गए दाग, क्योंकि ये जो परफ्यूम था शायद ऑयल बेस्ड परफ्यूम होता है, कुछ परफ्यूम ऑयल बेस्ड होते हैं जो दाग छोड़ देते हैं, और दाग तो अच्छे नहीं है, तो दाग हटाने पड़ेंगे। तो टी शर्ट बदलते हैं सबसे पहले। तो गाइस गाड़ी अपनी वॉश वगैरह होके कंप्लीट है, मैंने भैया को बुला लिया था सुबह जल्दी, भैया चाबी लेके अंदर से बाहर से दोनों से साफ कर गए। बढ़िया, ये बढ़िया होता है यार मल्टीज में, अगर इतनी सारी गाड़ियाँ होती है तो वॉश करने साफ करने आते हैं वो लोग, साफ कर जाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप कहीं पे भी निकल रहे हो लंबे ट्रिप के लिए, गाड़ी साफ करवा के निकलो, क्योंकि गाड़ी में सफाई रहेगी तो मन में सफाई रहेगी, मन में सफाई रहेगी तो ट्रिप अच्छा होएगा यार। तो आप हमारे कुकू का पेशेंट देखो, मैं इसकी लीश का वो रख दिया और ये वहीं खड़ा हुआ है, नहीं हिलेगा, वरना ऐसे पूरे घर में भगता रहेगा। साथ निकल लिए हम लोग प्रभु का नाम लेके, जय श्री राम बोल के। लेट हो चुके हैं, 9 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर की रेंज आ चुके हैं, और अब इट्स टाइम फॉर हवा। मौसम देखो कितना तगड़ा हो रहा है यार, पूरा सामने क्लाउडी हो रहा है, बारिश आनी शुरू हो गई हल्की हल्की। तो अभी बारा रोड से महालक्ष्मी छोड़ के कुकू को फिर वापस निकलेंगे हम झालावाड़ की तरफ। ऐसा मौसम हो और सुबह हो और गाने सुनते हुए जाओ, बढ़िया, जयकाल महाकाल एक नंबर। ताऊ जी का घर आ चुका है, कुकू को छोड़ते हैं यहाँ पे, कुकू के ताऊ जी आ गए नींद में, देखो कितना खुश हो गया वो। चले नानी के पास, रुको रुको रुको, चल रहा है, तो सही, सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो, मम्मी समझाएंगी बच्चे की बात। दूध है और दूध ओट्स रखे हैं, ठीक है, तो दूध ओट्स आप इसे दोपहर में लेना, 3-4 बजे तक नहीं खाएगा, 2-3 बजे करीब देना, ठीक है, और उसके बाद ना शाम में डॉग फूड डाल देना अलग से किसी, मतलब देखा कैसा बच्चा है आपका, भूल गया वो लालच में कौन सी माँ। फाइनली 9:38 हो गए हैं और हम लोग लग चुके हैं मंडाना रोड पे। इस सामने से ट्रक क्यों आ रहा है। अभी हाल फिलहाल पहुंच चुके हैं मंडाना और यहाँ पे कुछ खाएंगे, 10 बज गए और पोहे वोहे खाएंगे सब लोग, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से पूरा प्रॉपर 5.5-6 घंटे का रास्ता है और बिना रुके ड्राइव करेंगे पिछली बार की तरह। अभी खाते हैं सब लोग, केले पोहे वोहे लेते हैं, कचौड़े तो लेते हैं जी, बुलेट पे घोड़ा स्पेशल। जन शताब्दी के बीच में टेबल लगी होती है, सामने सामने चेयर होती है, ऐसे बैठे हुए हैं तीनों पापा भाई, टांग निकाल के बैठे हुए हैं जैसे कॉर्नर की सीट पे टांग निकाल के बैठते हैं ना। और ये दर्द ये चल रहा शेष्टा, वो ब्रेड पकौड़े खाने के बाद गुलाब जामुन और ये कचौड़ी समोसा। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं दरा से होके, अभी आपको दिखा रहे हैं दरा की घाटी का टाइम लैप्स, और बढ़िया खा लिया पेट भर के, अब 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, 10:30 बज चुके, नॉन स्टॉप चलेंगे, कोशिश तो यही करेंगे। प्रॉपर अब गाड़ी को ले रहे हैं पीछे, खाली एक लाइन चालू है कॉर्नर वाली जो कैश लेन होती है मेनली, पर इसको भी मे बी इसको भी पीछे करवाएगा। निकल गई यार उसकी गाड़ी तो, फर्स्ट टेक कहाँ है भैया? अरे मेरी बना रही है। हाँ फर्स्ट टेक कहाँ है? फर्स्ट टेक कहाँ है? क्यों फर्स्ट टेक? फर्स्ट टेक तो आपके उसमें रहता ना। नहीं वो भैया पूछ रहे थे फर्स्ट टेक कहाँ है। किसका? हमारा।
आपका तो आपकी गाड़ी पे होगा, हमें क्या पता यार। तो वो पूछ रहा था आपका दोस्त, वो उसकी गोली चल रही है यार, तब पागल उसका तो मेंटेनेंस की गोली चल रही है। तो आप खोल दो, गाड़ी का मेंटेनेंस होता है एनुअल, इंसानों का भी मेंटेनेंस होता है, स्कैन नहीं हो रहा है एक्चुअली, फास्टैग में दिक्कत आ रही है। अरे कभी कभी तुम्हारी मशीनें नहीं चलती, फोटो खींच लो बाद में काट देना, ऐसे थोड़ी ना होता है, स्कैन होता है ना, स्कैन होता है बारकोड, बारकोड का इस फोटो से थोड़ी ना होता है। ये भैया पूछ रहे थे फास्टैग का, कौन भैया देखा, अरे ये, अरे इसके तो गोलियां चल रही है भैया, गोली कर, गोली खा ली, इस बार गोली नहीं खाई तूने अभी, राजा खा के आजा, खाना खा के गोली खा के आजा, लागे के पास ठीक नहीं है, ये पास ठीक नहीं है, अरे पागल इनके पास ठीक कहां है, ये पूछे तो पास ठीक पूछोगे को, तू पागल कैसे आदमी है यार, अरे ड्राइविंग लाइसेंस पूछना चाहिए, हां ड्राइविंग लाइसेंस पूछता, गाड़ी के कागज कहां है ये पूछना चाहिए, चला गया मौसम ऐसा है, कभी धूप कभी छाया, मस्त। भोपाल बचा है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर बचा है भोपाल हमारे यहाँ से। लोग आ चुके हैं वन वे वाले रोड पे, 100 किलोमीटर का 4 लेन का रास्ता हो गया, अब 100 किलोमीटर वन वे चलेंगे, फिर वापस 100 किलोमीटर 4 लेन। मौसम देखो यार, क्यों हरियाली हो रखी मम्मी, पापा देखना साइड में, ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन पे आ गए। क्यों हो रहा है, क्योंकि रात भर बारिश हुई है और भयंकर तरीके से बारिश हुई है, बढ़िया ग्रीनरी हो गई चारों तरफ और मौसम भी ऐसा हो रहा है, छाया धूप छाया धूप धूप छाया, बढ़िया। ऐसा हो गया तूफान में गया सब कुछ, वापस से बारिश वाला मौसम हो गया गाइस, बहुत घने बादल हो गए, घने रोड देखो यार सामने का एक नंबर। तो जी अभी हाल फिलहाल हम लोग पहुंच गए राजगढ़, 12:40 हो चुका है समय, और बट सही है 120-122 बढ़िया गाड़ी चल रही है और कवर हो गया बढ़िया डिस्टेंस, थोड़ी सी देर का सफर और बाकी है 2-3 घंटे का, और वो आगे धूप, ऐसा लग रहा तो छाया और धूप दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कभी छाया आती है मेरे पास कभी धूप। अभी भी निकलो ना तो एक चीज़ याद रखना, हर चौराहे पे हर रास्ते पे हर थोड़ी देर में ऐसे स्पीड कैमराज वगैरह हैं, और एमपी में कहीं पे भी चल जाओ, इंदौर उज्जैन एमपी में कहीं भी सब जगह बढ़िया दबा के चेकिंग है, तो संभल के चलना, चलान मत कटवाना, एक दो साल बाद घर पे आएगा वरना। ये है जी अभी सेकंड टोल पे पहुंचे हम लोग, सेकंड टोल है वन वे वाला, और अभी यहाँ पर बढ़िया मौसम हो रहा है तो भुट्टे सीख रहे थे, तो सबने बोला भुट्टे खा लेते हैं यार, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट भी कचौड़ी समोसे वगैरह था तो अच्छे से खा नहीं पाया था कोई, तो और नज़ारे देखो यार आप कितने बढ़िया हो रहे हैं एक नंबर है ना। तो बस मुझे ले रहे हैं अभी उतराऊँ, जब से मैं ब्रेकफास्ट करके बैठा था उसके बाद अब उतराऊँ, और अभी भोपाल 130 किलोमीटर बचा है यहाँ से, तो मतलब 2 घंटे और लगेंगे 2.5 घंटे, क्योंकि भोपाल एंटर होने के बाद बहुत देर लग जाती है अलग अलग सिटी में जाने में, और हमको आज जहाँ फंक्शन में जाना है वहाँ वो थोड़ा और आउटर में, और आज हम लोग भोपाल क्यों जा रहे हैं ये भी मैंने नहीं बताया, एक्चुअली कुछ फैमिली फंक्शन है इस वजह से हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं भोपाल, और भोपाल की नज़ारे यार बहुत खूबसूरत है यार, मतलब मैं फर्स्ट टाइम भोपाल आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो मेरे को भोपाल बहुत प्यारा लगा था और इसलिए मैं इतना एक्साइटेड होकर वापस भोपाल जा रहा हूँ, क्योंकि मजा बहुत आता है यार। कौन हो तुम? करण केड़ी का। करण केड़ी का नहीं, अभी क्या बोल रहा था? भुट्टे वाले। वैसे ही बोल जिसे बोल रहा था। हम भुट्टे वाले भाई साहब, हमारी रोजी रोटी भुट्टा में। भुट्टा में? भुट्टा देखो एक नंबर ताजा। वो बोलेगा, उसने बोला था ना अभी भुट्टा वाले, वैसे बोल के था। तू बता ना बोल के। भुट्टा वाले गरम गरम। भाई बहुत बढ़िया हवा चल रही है, एक नंबर, आपको विंड नॉइज से पता चल रहा होगा, और बढ़िया हवा है, मतलब मैं एसी में बैठ के सोच रहा था कि बाहर बहुत गर्मी होगी
बस छाया है, पर सच्ची में बाहर बहुत ठंडी हवा है कि मतलब बाहर खड़ा हो सकता है इंसान, पसीने नहीं आएंगे। एक नंबर। गाइस गुट्टा आ चुका है और इट्स टाइम टू ईट गुट्टा। यार नींबू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया तूने, तो सूखा भुट्टा दे दिया यार। नींबू मसाला नहीं है लगा के देना, फिर घर लेके जाएगा कि नींबू मसाला। तुम तो यार ऐसे पागल बना रहे हो यार हमको यार। वो तो गिर गया नीचे, उसको क्यों दे रहा है, इस पहले पे लगा। भुट्टा खाते हुए मजे ले रहे हैं मौसम के, एक नंबर। और मजे लेने तो ये देख लो शौचालय, भुट्टा खाते खाते ना भाई मेरे ये हो गया, ये देखा मसूड़ी पै गई। तो जी फाइनली वन वे खत्म हो चुका है और अब हम लोग चढ़ जाएंगे अपर फोर लाइन पे। बहुत बढ़िया, फोर लाइन पे चढ़ के फिर वापस लेफ्ट मुड़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ना ये तो कहीं और जा रहा है, अपने को लेफ्ट मुड़ना होता है। पर अभी वापस से रुक गए, पहले भी पिछली बार भी यहीं रुके थे और अभी वापस से इसलिए रुके क्योंकि रेडबुल वगैरह कुछ कुछ लेना है, थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाएगी। सुबह से चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए, इसको पी के जो सुकून मिलता है ना वो सुकून इसी में मिलता है, किसी और चीज़ में नहीं मिलता। मतलब आप समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, तो रेडबुल तो रेडबुल है। और हम निकलते हैं, धूप बहुत है यहाँ पे, पहुँचते हैं यार हाईवे से मुड़ गया लेफ्ट और फिर भोपाल का पूरा ऐसा रोड है, इधर वालों का इधर, उधर वालों का उधर, और बीच में इतना चौड़ा ही है। बढ़िया रोड है, एक नंबर। धूप आ रही है और सामने बादल देखो भाई, और ये वाला गाना तो सबने सुना होगा अपने बचपन में। छाया आ गई यार, अभी धूप बोला अभी छाया करके जी। तेज होती जा रही बारिश, भोपाल होते ही हम लोगों को पता चल गई एक चीज, हम जैसे भोपाल एंटर होएंगे दीदी के ऊपर बादल पड़ेगा, बड़ बादल बोसी बादल बोसी नहीं भोपाल बोसी बादल बढ़ेगा बढ़। चालीस नहीं 2:50 हो गए और धूप में भी बारिश आ रही है यहाँ पे, और हम लोग भोपाल में एंटर कर चुके हैं और अभी जा रहे हैं हमारी लोकेशन की तरफ। भोपाल के ये वीआईपी रोड पे जो है बारिश बहुत वीआईपी हो रही है, देखोगे फतेह सागर लेक का नाम नहीं पता गाइस, बट इसको भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है और बहुत प्यारी लेक है यहाँ पे। बीचों बीच सब गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही है, देखो जो शूट करने वाली गाड़ी है उस साइड धीरे धीरे चल रही है, बाकी इधर से जा रही हैं गाड़ियाँ, व्यवस्था पूरी है। महाराजा ऑफ भोपाल, सच्ची में ये महाराजा ऑफ भोपाल ही है मामा। बाय बाय, क्या नज़ारे यार, हम नज़ारों के चक्कर में बहुत लेट हो गए हैं, हमारी लोकेशन में पहुंचते हैं, खूब मजे ले लिए वादियों के। हेक्टिक ड्राइव करिए ना, मैं बता नहीं सकता, जो रास्ता 6-6.5 घंटे का था ना उस रास्ते में मैं 5 घंटे पे लेके आया, मतलब हम लोग 10 बजे निकले थे, अभी 3:30 बज रहे हैं, 11, 12, 1, 2, 3 देख रहे हो आप, और 3:30 जबकि हम लोग इतना बीच में रुके हैं ना, सोच नहीं सकते गाइस आप। तो बस यही है, अभी यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर में लोकेशन पे पहुँचते हैं। फाइनली लोकेशन पे पहुँच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दिए और ये वेन्यू है विला है, यहाँ पे हमारा आज का फंक्शन, लेट्स गो। भाई अंदर गए, देखा बढ़िया पार्किंग स्पेस भी, तो गाड़ी अंदर ही खड़ी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे छुटपुट छुटपुट जो बार बार लेने आने पड़ेंगे, तो इसलिए अंदर ही पार्क कर देते हैं जी। फाइनली गाड़ी अपन ने अंदर पार्क कर दी है, ये है विला और इतना सारा सामान है, मैं अंदर लेके जाऊँगा इसको, और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, ये जो है बालकनी है,
डर लग रहा भाई, इतनी सी चीज अड़ जाएगी ऊपर। ये गाड़ी पार्क हो गई अपनी, तो अब खाना वाना खाते हैं और सब लोग बैठ रहे हैं, मैं भी बैठता हूँ भाई। मैं जैसे अभी सो के उठा हूँ और मैंने विंडो खोली है, आधे घंटा सो गया था मैं खाना वाना खा के। ये व्यू है यहाँ से बढ़िया, ऐसे कोकोनट ट्रीज टाइप की ये हैं पूरे रास्ते पे, और बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर। खैर अंदर तो एसी की ठंडक हो रही है। बाहर सब लोगों के साथ बैठेंगे, फिर शाम में फंक्शन है छोटा सा, गेट टुगेदर, वहाँ पे सब लोग पार्टी वार्टी टाइप्स करेंगे। तो अभी थोड़ी देर बैठने चलते हैं बाहर। पता भाई यहाँ पे, पता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में बोल दिया, सॉरी गाइस। पता है यहाँ पे गाइस क्या है कि जितने भी पुलिस वाले हैं, जितनी भी फोर्सेज हैं, मतलब पुलिस हो गई या फिर आर्मी हो गई, यहाँ पे स्कॉर्पियो और ये सब गाड़ियाँ दे रखी है यार, महिंद्रा की एक्सयूवी वगैरह। मैं ये सिस्टम है भाई, यहाँ पे तगड़ी तरीके से बड़ी बड़ी लाइट्स लगा रखी हैं, ऊपर साइरन लगा रखे हैं, एक नंबर। एमपी पुलिस, हेलो हेलो, रेडी वन टू। तो अभी यहाँ पे बारात निकालने की तैयारी हो रही है, यहाँ पे हम सामूहिक विवाह करवा रहे हैं 500 लोगों का। और ये माइक मैंने हाथ में ले लिया है, जितनी भी मैंने बरातें देखी हैं तो वो आज मैं करवाऊंगा। रेडी वन टू। हेलो हेलो, सभी जने बारात में पधारे, बारात प्रस्थान करने वाली है और बारात निकासी गेट पे खड़ी है, तुरंत आ जाइए। यहाँ पे ये छोटे छोटे आर्टिकल लगे हैं बहुत बढ़िया, और ये इतना तगड़ा जो विला है ऊपर दो फ्लोर का, मतलब दो फ्लोर है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर और 5 रूम्स हैं, बहुत बढ़िया। और पूरा ये एयरबीएनबी है, ये 8500 का है जस्ट, और बहुत बढ़िया, परफेक्ट है पार्टी करने के लिए। भाई जितने भी यहाँ पे ये रखे हुए हैं फ्लावर पॉट और जितने भी बोटल्स वगैरह रखे हैं, सब वोडका की बोतल की, वैलेंटाइन की बोतल की ऐसी रखी हुई है। कुछ वहाँ पे भी रखे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ, वो वैलेंटाइन की बोतल है पीछे। हाँ जी तो गाइस, ऑल सेट टू गो इन द इवेंट। और थोड़ा सा टाइट हो गया यार, इतना टाइम से पहनी नहीं थी शर्ट, तो कुछ अंदाजा भी नहीं था। और ये मेकअप प्रोडक्ट्स देख रहे हो आप, मेरे फेस के नहीं है, ये दीदी ने यूज़ में लिए थे। अपना तो ये हेयर ड्रायर कंघा है, और अभी बस ब्लैंक को लगाएंगे और निकल जाएंगे। तो भाई अब सीन ऐसा है, डायरेक्ट इवेंट के बाद रूम में आके मिलेंगे, अभी जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती ना, तो ये वही चीज़ें जो दिखानी नहीं है आपको, और बस बतानी है, बता दी कि गेट टुगेदर है, दैट्स इट। हाँ जी तो गाइस, रात के 12 बज चुके हैं और थक थका के रूम में आ गए, कोई और ऑप्शन है नहीं, अब रेस्ट करेंगे और इस व्लॉग को एंड करने का समय आ गया। तो वीडियो को यहीं पे करते करते, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, लव यू, जय श्री राम।